पूजा मैम जी, आप स्ट्रोक की सीरीज बना रहे हो, तो हम डेली लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं या कर रहे हैं जिनसे हमें स्ट्रोक हो सकता है? यू मीन टू से रिस्क फैक्टर्स? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि बहुत से लोग डेली लाइफ स्टाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनकी वजह से उन्हें स्ट्रोक हो सकता है बट उन्हें पता नहीं है. एक्चुअली रिस्क फैक्टर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो जिनको आप सुधार सकते हो मॉडिफाइबल, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल जिनको आप सुधार नहीं सकते, वो बस हैं, जैसे कि सेक्स, रेस, जेंडर, एज, है ना, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक. नहीं नहीं नहीं, फिर ये छोड़ो, मॉडिफाइबल बताओ. तो मॉडिफाई जिनको आप सुधार सकते हो वो इस तरह के हैं कि जैसे कि सबसे पहली तो चीज़ आ जाती है आपकी डेली लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है किसी भी इंसान की, और उसके बाद वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे. अब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो लेकिन खाए जा रहे हो, कैलोरी इनटेक है. कैलोरी इनटेक होते हुए जब आप कोई एक्टिविटी नहीं करते तो आपका वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है कहाँ जा रहा है? फैट में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है. सो ओबीस पीपल हैव अ हायर चांस ऑफ स्ट्रोक? यस ऑफ कोर्स दे डू. अब जब उनके बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है तो वो सिर्फ जगह जगह कहाँ कहाँ होगा, आपकी वेसल्स में भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स में. जब ब्लड वेसल्स में वो फैट स्टोर होगा उसको प्लाक कहते हैं, तो आपका ब्लड का फ्लो रुकेगा. जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, अगर वही जो स्टोरेज है या तो आपके हार्ट में या तो आपके ब्रेन में हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक? ब्रेन अटैक इज योर स्ट्रोक, है ना, तो उसके चांसेस बढ़ गए. तो इससे दोनों के चांसेस बढ़ गए, हार्ट अटैक के भी और ब्रेन अटैक के भी, राइट. और चीज़ें ओबेसिटी जैसे कि आपने बोला, है ना, इसी में आपका आ जाता है हाइपरटेंशन, जिन लोगों को होता है उनको स्ट्रोक बहुत जल्दी हो सकता है. हाई बीपी उनको स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फ्लक्शन मतलब कि हार्ट अटैक, दोनों ही बहुत जल्दी हो सकती है. ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं क्योंकि है सेम ही चीज़, बस एक हार्ट में हो रही है और एक ब्रेन में हो रही है. तो जो रिस्क फैक्टर्स उसके हैं वही रिस्क फैक्टर्स उसके भी हैं, है ना. तो अब क्या है, हाइपरटेंशन अगर है या हाई बीपी अगर किसी को रहता है तो वो प्रेशर जो है, ब्लड का प्रेशर आपकी वेसल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है ना, दिमाग की वेसल्स पर भी प्रेशर डाल रहा है. अब वो प्रेशर से वो वेसल फट सकती है, फट जाएगा तो वहीं पर स्ट्रोक हो जाएगा, है ना, हेमरेजिक स्ट्रोक जिसे कहते हैं. इसी के साथ साथ आ जाता है हाइपरलिपिडेमिया, मतलब कि जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बोलते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. अब जिनका वही सेम चीज़ आ जाती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो कोलेस्ट्रॉल कहाँ डिपॉजिट होगा, उसी को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना. तो हाइपरलिपिडेमिया नाम क्यों? कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो वो जमता है, जमने के बाद वो प्लाक फॉर्म कर लेता है, कैल्सीफाई हो जाता है, उसको फिर एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जब स्क्लेरोसिस हो जाता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी स्टेजेस की, ठीक है. अब उसी के साथ आ जाता है डायबिटीज़, क्योंकि जहाँ डायबिटीज़ रहेगा वहाँ हाइपरटेंशन रहता है. दोनों बहनें हैं, ठीक है, टू सिस्टर्स, डायबिटीज़ रहेगा ये होता, हाइपरटेंशन रहेगा ही, ठीक है. तो जहाँ वो चलेगी वहाँ वो चलेगी, साथ हाथ पकड़ के चलते. अब उसी के साथ साथ आ जाता है आपका और क्या चीज़ें आ गई, जैसे कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल अब्यूज़, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. क्योंकि जब आप गेट यू एक्साइटेड, नो, बिकॉज दैट टू पाल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं, है ना, मतलब कि हार्ट बीट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, पल्स बढ़ जाती है, ब्रेन में पंप बहुत जल्दी करता है, तो उसकी वजह से भी हेमरेजिक स्ट्रोक आ सकता है, राइट. तो ये सारे थे आपके जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो. तो आपको करना क्या है एक्चुअल में, जो लोग भी ये देख रहे हैं, आपको अपनी दिनचर्या में क्या चेंजेस करने हैं, सबसे पहली चीज़ फिजिकल एक्टिविटी करें, शुगर और मसाले, नमक, ये सारी चीज़ें कम कर दें, ठीक है, जो थ्री वाइट डिज़ास्टर या पॉइजन हम बोलते हैं, मैदा, चीनी और नमक, इन तीन चीज़ों को अपनी डाइट में कम कर दें, ठीक है. डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई. इसी के साथ साथ पूरी नींद लें, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों का यूज़ कम करें जितना हो सके. इससे ये क्या होगा, आपका हाइपरटेंशन भी कम हो जाएगा, या जो लोग को शुगर की बीमारी है वो भी कम हो जाएगी, डायबिटीज़ भी कम हो जाएगी. तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं. स्ट्रेस मत लो, हैप्पी लाइफस्टाइल जियो, योगा करें, बी हैप्पी बी फ्री. थैंक यू.